देखिए, मैंने पहले भी अपने जो हमारे खासकर मार्केट में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और जो शॉपकीपर्स हैं, मैंने काफ़ी बार इनसे अपील की है, जो आप ये दुकान का जो सामान है ये आप फुटपाथ पे मत रखा करो। और आज भी मैं इधर आया हूँ इनसे रिक्वेस्ट करने के लिए। आज हमने कोई किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं चाहता हूँ मेरे से किसी का नुकसान हो। पहले भी मैंने अपील की थी लोगों से ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है, एक लाइन में आप रहो। मैं समझता हूँ भी उनका भी रोज़गार है, जो शॉपकीपर्स में उनका भी रोज़गार है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम हमारा मार्केट विजिट होगा तब मैं साथ नहीं रहूँगा और तब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इन लोगों के ख़िलाफ़। आप ये देखें, मुझे फिर लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं करते हो। मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे जो भी जिसका रोज़गार चलता है उसके रोज़गार पे असर ना पड़े, लेकिन वो इतना भी ध्यान रखे लोगों की चलने के लिए जगह रखे। तो मैं उनको आज और अपील करता हूँ, कल से हमारी जो म्युनिसिपैलिटी की टीम है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। आज हमने कोई एक्शन नहीं लिया, आज हमने खाली रिक्वेस्ट किया अपने जो दुकानदार साहिबान हैं इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये जो सामान है अंदर रखा करें, थोड़ा सा बाहर रखते उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फुटपाथ पे मत रखें। रोड पे आए, रोड बंद है। फिर अगर हम कोई कार्रवाई करने पे आते फिर कहते हैं म्युनिसिपैलिटी। कुछ लोगों ने तो लड़ाइयाँ शुरू की, अगर रेड़े वाले को एक रेड़ा लगाना उसको तीन नहीं लगाने। तो मैं इन सबसे अपील करता हूँ, कल से जो कार्रवाई होगी फिर मेरे पास नहीं आइएगा। सर, जगह की कमी है इनको, सर उनको आपने दिया था यहाँ पे और रेडियो वालों के यहाँ पे। तो देखिए, मैंने डीसी साहब से भी और जो डायरेक्टर मैडम से भी ये बात उठाई है। मैं चाहता हूँ और पर्सनली चाहता हूँ जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है वो रिहेबिलिटेट हो, ये मेरी पूरी कोशिश है। लेकिन उनको भी एक्ट वैसे ही करना, उनको सुनना है यहाँ का, वो भी नहीं सुनते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ जब हम निकलेंगे आप देखिए उसके बाद वो दुकानदार वही करेगा जो उसको करना है, और कल से हम कार्रवाई करें। मैं उनको ये भी बोलता हूँ फिर मुझसे आप नाराज़ नहीं हो जाइएगा। कोविड के हवाले से मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप ये जो बीमारी है ये पूछ के नहीं आती, आपने देखा कि पूरे मुल्क भर में, पूरे दुनिया भर में कितने लोग इससे मुतासिर हो गए, तो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। हमेशा हम गवर्नमेंट पे ही नहीं ब्लेम करेंगे कि गवर्नमेंट ये नहीं करी है, गवर्नमेंट वो नहीं करी है। मैं चाहता हूँ लोगों को खुद थोड़ा बहुत सेंसिबल होना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का ध्यान रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ही लोग इससे मुतासिर होते हैं, तो हमको ख्याल रखना चाहिए इस सब का।